आज होमो सेपियंस यानी कि हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि अपनी अर्थ से 55 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर आए हुए किसी ब्लैक होल की इमेज कैप्चर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज तक हम ब्लैक होल की इमेज क्यों नहीं ले पा रहे थे और इस ब्लैक होल में क्या क्या है जो हमें समझना चाहिए। इस ब्लैक होल में ये जो चारों तरफ घूम रही है वो कहाँ क्या कर रही है, वो है क्या और क्या अंदर की तरफ जा रही है। इस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन कहाँ है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। इस ब्लैक होल की कंपैरिजन हम अपने यूनिवर्स के साथ करेंगे और इसी वीडियो में लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ब्लैक होल की इमेज हमने ली कैसे, जबकि ब्लैक होल तो पूरा ब्लैक होता है। तो क्वेश्चन ये है कि आज तक हम ब्लैक होल की इमेज कैप्चर क्यों नहीं कर पाए थे। तो इसका आंसर ये है कि हमें हमारे पास इतना बड़ा टेलीस्कोप नहीं था। अगर हमें एक ही टेलीस्कोप से ब्लैक होल की इमेज कैप्चर करनी है तो वो अर्थ की साइज जितना होना चाहिए, जो हबल टेलीस्कोप से 1000 टाइम्स जितना पावरफुल होगा। तो अब यह क्वेश्चन वापस से अराइज होता है कि हमने तो फिर कर कैसे दिखाया। तो इसके पीछे एक लड़की का हाथ था, केटी बाउमैन। केटी बाउमैन को 6 साल पहले ब्लैक होल के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं था। बाद में उन्होंने मेहनत की, प्लानिंग की, ब्लैक होल को कैप्चर करने के लिए एल्गोरिदम्स बनाए। 2 साल पहले केटी बाउमैन ने टेड टॉक्स में यह आइडिया रखा था कि हम ब्लैक होल की इमेज कैसे कैप्चर कर सकते हैं। और 2 साल बाद उन्होंने 200 लोगों की टीम बनाई, 8 अलग अलग जगह पे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप रखे, बहुत सारे टेराबाइट्स का डेटा उन्होंने कलेक्ट किया और बाद में वो ब्लैक होल की इमेज कैप्चर कर सके। अब बात करते हैं इस इमेज की जो 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद कैप्चर हुई है। यहाँ ये जो येलोइश कलर में चारों ओर घूम रहा है ब्लैक होल के, वो है प्लाज्मा। और ये लाइट स्पीड से ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रहा है और ये रोटेशन क्लॉकवाइज है। और ये प्लाज्मा हमारी तरफ जब आता है तब साइनी हो जाता है, और जब ये ब्लैक होल के पीछे की तरफ चला जाता है तब इसका कलर थोड़ा साइनी से कम हो जाता है। इस प्लाज्मा को 2 दिन लगते हैं इस ब्लैक होल का एक रोटेशन पूरा करने में। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है ये ब्लैक होल। जब लाइट को 2 दिन लग रहे हैं एक ब्लैक होल का एक रोटेशन पूरा करने में, तो ब्लैक होल कितना बड़ा होगा। इमेज से पता चलता है कि ये ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है, यानी पॉइंट ऑफ नो एस्केप। मतलब यहाँ कोई भी चीज़ इससे आगे चली गई तो वापस कभी नहीं लौट पाएगी और इसकी इमेज हमें कभी नहीं मिलेगी। ब्लैक होल की एक खास बात बताऊँ तो ये है कि जब आप ब्लैक होल में गिर रहे हो, यानी कि आप इवेंट होराइजन के आगे चले गए हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। मतलब आपके लिए वहाँ पर टाइम रुक जाता है। अगर आपका अर्थ पे 1 किलो वेट है तो ब्लैक होल में आपका वेट 200 बिलियन किलोस हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना भारी लगेगा। और वहाँ पे लेकिन आपका टाइम रुक गया, इसलिए आप कुछ भी फील नहीं करेंगे। अब ब्लैक होल कितना बड़ा है और उसकी साइज़ के कंपैरिजन हम अपने यूनिवर्स से करेंगे, तो उसके लिए हम अभी इस इमेज को ध्यान में लीजिए। यहाँ सन और ये प्लूटो के बीच की दूरी है वो कितनी छोटी है आप देख सकते हैं इस ब्लैक होल की इमेज में। और ये वॉयेजर 1 जो है वो हमारा फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर वर्ल्ड में जा चुका है, जो 1976 में अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया था। ये मिशन था अमेरिका का, अभी भी चालू है और 8 साल बंद हो जाएगा। ये इतनी दूरी तय कर चुका है सूर्य से लेके, लेकिन ये बहुत कम है ब्लैक होल के सामने। ब्लैक होल की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 30 लाख अर्थ आमा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल तो ब्लैक है तो भी हमने इसकी इमेज कैसे ले ली, और थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अनुसार ये चीज़ें अंदर लेता जा रहा है, जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये करता है। स्टीफन हॉकिंग ने हमें समझाया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में, कि ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को कैसे फॉलो करता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन ने कुछ प्लाज्मा रेडिएशन यूवी रेस रेडिएट की या फिर एक्सरे एमिट की, जिसको हमारे एट इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ले लिया अंदर, कैप्चर कर लिया और सुपर कंप्यूटर के हिसाब से ब्लैक होल की इमेज जनरेट की। और हाँ, एक और बात फिजिक्स में, फिजिक्स सिर्फ इमेजिनेशन की बात है। 100 साल पहले आइंस्टाइन ने बताया था कि ब्लैक होल है, और 100 साल बाद उनकी थियोरी सही साबित हो रही है, उनकी इक्वेशन सही साबित हो रहे हैं। इंटरस्टेलर की मूवी में क्रिस्टोफर नोलन ने जो ब्लैक होल बताया था वो बिल्कुल सही था, उन्होंने भी इमेजिनेट किया था, और ब्लैक होल की इमेज वही की वही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।